नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी इस चैनल में जिसका नाम है रोहित चौहान। और हम तीनों मिलकर आज एक बार फिर आपको एक डांस रूटीन सिखाने की कोशिश करेंगे हिंदी में। मगर इससे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सभी ने हमारे चैनल के हिंदी में डांस ट्यूटोरियल वीडियोज़ को पसंद किया। शेख करा जो लड़कियों के लिए गाना है, लंदन ठुमकदा, तम्मा तम्मा हम्मा गाने पर, ब्रेकअप सॉन्ग पर, सो आसमानों सॉन्ग पर हमारे ट्यूटोरियल वीडियोस अवेलेबल हैं। सभी वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस देने के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। और इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा सीरीज़ का सेकंड वीडियो, बॉलीवुड डांस ट्यूटोरियल का चैप्टर 2। इसमें आज हम आपको सिखाएंगे एक नए लेटेस्ट गाने पर जो कि आजकल शादियों में, डिस्कोथेक्स में, डांस पार्टीज में सभी जगह बहुत चल रहा है। और वो कौन सा गाना है? वो गाना है ये, और आज मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट है गरिमा और मेरी असिस्टेंट है सुधन। और हम तीनों मिलकर बिना किसी देर के शुरू करते हैं डांस ट्यूटोरियल हिंदी में। आई होप आपको पसंद आएगा, आपके लिए आपके काम आएगा, आप आसानी से इस वीडियो को देखकर डांस सीख पाएंगे। तो चलिए, गाने की शुरुआत होती है बहुत ही धीमे से म्यूज़िक से, जैसे कि आप ईयरफोन लगा के या हेडफोन लगा के जब गाना सुनते हैं वैसे ही धीमी सी आवाज़ आती है। तो हमने भी गाने की शुरुआत में ऐसी स्टेप रखी है जैसे आपने हेडफोन पहन रखा है और आप गाना सुनते सुनते थोड़ा सा डांस शुरू करते हैं। तो गाना बहुत धीमे से आवाज़ में स्टार्ट होता है तो हमारी मूवमेंट भी बहुत लाइट रहते हैं, बहुत धीमे धीमे से रहते हैं। सिर्फ आपको वेट ट्रांसफ़र करना है, एक पैर से दूसरे पैर पर थोड़ा सा हिलना है 8 बार जैसे गाना शुरू होता है। उसके बाद 7 बार आपको ऐसे फिंगर पॉइंट करना है, शेक करना है जिसे आप इंजॉय कर रहे हो म्यूज़िक। 7 बार करने के बाद 8वें काउंट पे आप अपने दोनों हाथ कमर पे इस तरह रख लीजिए ताकि आप नेक्स्ट मोमेंट के लिए रेडी हो जाए। अब यहाँ से गाने में ट्यून स्टार्ट होता है, गिटार जैसा इंस्ट्रूमेंट का ट्यून स्टार्ट होता है। तो आपको राइट साइड अपने 3 बार जंप्स करके एक पोज देना है। आप कुछ भी पोज दे सकते हैं मगर जल्दी से वो पोज 1 सेकंड के हिट करने के बाद वापस उसी पोजीशन पे आ जाना है। फिर दूसरी तरफ जंप करते हुए जाना है 3 बार, फिर से 1 पोज देना है मगर फिर ऐसे दोनों हाथ बाहर करके मुट्ठी बांध करके सेम पोज देना है अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं तो वो सेम पोज देने के बाद आपको शोल्डर्स की शिमी, हम इसे शिमी मोमेंट बोलते हैं, शोल्डर शेक करने को, तो शेक करना है और नीज थोड़े से बेंड कर लेने हैं। ये मोमेंट रिपीट करना है राइट साइड, फिर से आप 3 बार जंप लो, कोई सा पोज दो, फिर से हाथ कमर पे रखो, सामने रखो और फिर से 3 बार जंप्स करके अपनी प्रीवियस पोजीशन पे 1 पोज दो और हाथ मुट्ठी बांध करके सेम शिमी साथ में करना है। यहाँ इसके बाद आप हाथ का सर्कल धीरे से, म्यूज़िक थोड़ा सा स्टॉप होता है, रुकता है, तो उसी पर आप अपने दोनों हाथों से ऐसा सर्कल बनाकर उसके साथ स्टेप कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे आपने हाथ से सर्कल बनाया तो आपको दोनों पैर दूर दूर रखने हैं, अपने दोनों हाथों से मुट्ठी बांध करके नेक्स्ट, क्योंकि गाने में बहुत फास्ट बीट स्टार्ट होती है तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करना है। 3 बार इसे पंच करने हैं, 4थी बार पे हाथ कमर पे रखना है, 2 बार हाथ कमर पे रखने के बाद कमर का ऐसा स्विंग मूवमेंट करना है, 2 बार नेक मूवमेंट करना है और 3 बार दोनों मुट्ठी बांध करके अपने वेस्ट पर ऐसे हिट करना है। ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको रिपीट करना है, थोड़ा सा चेंज है, फिर से आप हाथ कमर पर रखोगे, फिर से वेस्ट स्विंग करोगे राइट एंड लेफ्ट, 2 बार नेक मूवमेंट करोगे पर इस बार थोड़ा सा आगे झुक कर कमर के थोड़े से फास्ट 3 मूवमेंट जल्दी जल्दी करना है। यहाँ से हम आपको शुरुआत से पूरा फास्ट, थोड़ा सा फास्ट करके बताते हैं जो गाने का स्पीड रहता है। 3 बार जंप्स पोज, 3 बार जंप्स पोज और शिमी के लिए रेडी, थोड़ा सा बैंड होके शिमी, 3 बार फिर से जंप एंड पोज,
तीन बार जंप एंड पोज, फिर से शिमी साथ में नीज बैंड करके। हाथ का सर्कल बना सकते हैं, और एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर बॉयज़ हैं या ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सर्कल कर सकते हैं अपने लेफ्ट पैर के ऊपर। हटाना आपको सेकंड पोजीशन पर ही है, मतलब पैर दूर रखना है, और यहाँ से फास्ट हो जाता है म्यूज़िक। तो बीट्स पर तीन मूवमेंट जल्दी, हाथ कमर पे, कमर का दो मूवमेंट, नेक के दो मूवमेंट, और जल्दी से तीन बार स्ट्राइक किया, पूरा कॉम्बिनेशन रिपीट किया नेक के मूवमेंट तक, और फिर थोड़ा सा आगे झुक के कमर के तीन मूवमेंट फास्ट। तो हमने फिनिश किया था कमर के इन तीन मोमेंट्स पे। इसके जस्ट बाद गाने की लिरिक्स शुरू हो जाती है, दो तोले की, तो हमें दो बताना है हाथों से, उंगलियों से, और आँखों के सामने लाना है, बुलाना है राइट हैंड से, और तीन आँखों के सामने से हटाकर आपको कंगना के लिए पोजीशन लेना है। कंगना के साथ आपको हाथ रोल करना है, रोटेट करना है, और कमर का मोमेंट भी करना है। और आपने जब दो बार कमर के मूवमेंट किए कंगना वर्ड के साथ, उसके बाद मुंह दिखाई आती है, तो आप हाथ से कवर करें फेस, फिर थोड़ा सा दिखाएं। लड़कियां अपनी आँखें ब्लिंक कर सकती हैं, क्यूट सा फेस बना सकते हो, आप नॉट कर सकते हो, दो सेकंड रुक के फिर राइट पैर उठा के आप रेडी हो जाओ। हाथ के मूवमेंट के साथ आप चार बार पैर रखना, टच करना, और ये चार मूवमेंट के साथ आप टर्न करके फेस अपना पीछे कर लेना। अब यहाँ पे आपको शोल्डर शिमी फिर से करनी है। शोल्डर शिमी आप करना, नीज़ बैंड करना, अब नीज़ नीचे बैंड करोगे तो ऑडियंस की तरफ एक लुक देना है साइड में से, फिर दूसरी तरफ से, और फिर से रिपीट करके तीसरी तरफ से। अब यहाँ पे हाथ ऐसे शेक करके आपको लेफ्ट हैंड साइड से ऐसे तीन बार भागने के साथ प्रोफाइल फेस कर लेना है, मतलब साइड फेस कर लेना है। अब यहाँ से वापस लाइन रिपीट होती है दो तोले की, तो दो ऐसे बताने के साथ आपको तीन बार अपना ऑडियंस की तरफ वाला पैर टैप करना है, फिर एक जंप करनी है आपको ऑडियंस की तरफ, तो जंप के साथ आप ऐसे क्लैप करोगे। अब आप दोनों मूवमेंट कंबाइन करो, हाथों का मूवमेंट है दो तोले की, तो आप मूवमेंट के साथ तीन बार पैर टैप करो, क्लैप के साथ एक बार जंप करो। अब तीन तोले की आता है तो तीन के साथ भी यही मूवमेंट करना है, क्लैप के साथ जंप करना है ऑडियंस की तरफ। अब ये मूवमेंट हम थोड़ा सा फास्ट गाने के साथ कर लेते हैं, यहीं से दो तोले की, तो आप तीन बार पैर टैप करोगे, 1 2 3 क्लैप, 4 5 6 7 क्लैप, 8, तो इतना फास्ट आपको गाने पर करना है। फिर एक विंडो बनाना है अपने दोनों हाथों से, और फिर से राइट पैर टैप करने के साथ थोड़ा सा टर्न करते करते फ्रंट आपको ले लेना है विंडो ओपन करने के साथ। फिर राइट पैर रखा, दोनों हाथ बाहर इस तरफ, और ऐसा घर या छत बनाने के साथ दो कदम आपको वहीं पर ऐसे उठा के रखना है। तो जैसे हमने लास्ट स्टेप फिनिश किया, ले जा अपने अंगना, आपको पैर उठा के रेडी रखना है, पैर रखते से आपको टर्न शुरू करना है, पैर ओपन करके मुट्ठी बंद करके इस पोजीशन पर रेडी रहना है, सिर्फ नेक का मूवमेंट करना है, और थोड़े से नीज बैंड करके नीचे बैंड होना है आपको। तो डाउन एंड अप सेम मूवमेंट के साथ आप आओगे, फिर थोड़ा टर्न करके वापस आप अब पहली पोजीशन पर चले जाओगे, फिर से नेक मूवमेंट और नीज बैंड करके सेम मूवमेंट रिपीट करना है, तीसरी बार फिर करना है। मगर इससे पहले आप अपनी ही जगह पे तीन स्टेप ऐसे रनिंग स्टाइल में करने के साथ फिर तीसरी बार ये मूवमेंट फिर से रिपीट करें। तो ये बीट्स आती है, उसके साथ आपको बार बार ये मूवमेंट करना है। इसके बाद आता है 100-100 झटके, तो आपको ऐसे चार बार हाथ ओपन करके, पाम्स ओपन करके, अपना एल्बो पॉइंटेड रहेगा तो सेम पोजिशन दूसरे एल्बो पॉइंट पर फिनिश हो जाएगी। यहाँ से पल्लो लटके आता है, तो पल्लो लटके पे घूंघट ओढ़ना है और खोलना है, नेक मूवमेंट करना है, फिर से घूंघट ओढ़ना है, खोलना है, और अपना ऑडियंस की तरफ वाला हाथ पॉइंट करके थोड़ा सा नीचे की तरफ, फिर यहाँ से पल्लो लटके की बीट्स स्टार्ट हो जाती है। तो बीट्स पर
नीज बैंड करने के साथ आपका हाथ ऐसे स्विंग करके पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, फिर पीछे जाएगा, और साथ में आपकी नीज ऐसे बैंड होने चाहिए। इसे हम बाउंस मूवमेंट बोलते हैं। तो बाउंस के साथ हाथ पीछे आगे 4 बार, फिर 3 बार आपको ऐसे मूवमेंट करना है अपने नीज पॉइंट करके, घुटने पॉइंट करके, और उसके बाद ज़रा सा गाने में आता है तो ज़रा सा पे राइट हैंड साइड एक बार का गर्दन से नॉड, दूसरी तरफ नॉड, और सामने सेंटर में 3रा बार ज़रा सा राइट पर उठा कर रेडी रखना है ना, हाथ घुमाने के साथ आपको 4 बार ये मूवमेंट करना है। चौथा मोमेंट में भी फिर राइट पर ऊपर हो जाएगा तो उसे रखने के साथ मोमेंट चेंज करना है, हाथ आपको पीछे करने हैं, वेस्ट थोड़ा सा आगे करना है, टोस पर जाना है, हील्स पे जाना है, टोस पर जाना है, हील्स पे जाना है, हाथ आगे ही रखना है, कमर को रोल करने के साथ नीचे नीचे बैंड होना है। 3 बार नीचे बैंड होने के साथ नीचे जाके जंप करके आप या स्ट्रेट होके आप ऑडियंस को फेस कर सकते हैं। अब हाथों का ऐसा वेव बनाने के साथ सिर्फ राइट पैर आगे मूव करने के साथ आपको सर्कल करना है, और एक तरफ ही आपका हाथ का वेव जाएगा। 4 मूवमेंट के साथ आपका टर्न हो जाएगा। आपको 3 बार कमर का मूवमेंट करना है, हाथ आप कैसे भी कमर पर रख सकते हो। 3 बार हील्स उठाकर 3 बार ऐसे टर्न करने के साथ, टर्न करने के बाद आपको लास्ट में पोज देना है, अपना लेफ्ट हैंड पॉइंट करना है ऑडियंस की तरफ, और इस पोज पर आप कम से कम 5 सेकेंड होल्ड करें ताकि आपका परफॉर्मेंस फिनिश लगे। थोड़ा फास्ट करते हैं। अंगना के बाद टर्न एंड बीट्स, एंड लेफ्ट हैंड साइड टर्न एंड बीट्स, अपनी जगह पर रनिंग एंड देन बीट्स, और सो झटके, पल्लो लटके, नेक मूवमेंट, और फिर से पल्लो लटके, तो राइट हैंड पॉइंट किया, पोजीशन ले लिया, 4 बार हाथ स्विंग किया बाउंस करने के साथ, 3 बार आपने ये मूवमेंट किया, और ज़रा सा आ जाता है तो ज़रा सा 3 बार ज़रा सा टेढ़ो हो जा बालमा, 4 बार करना है, फिर इसे भी 4 बार करना है, कमर का मूवमेंट करना है रोल 3 बार, चौथे बार में जंप 4 बार करके पीछे फेस करना है 3 बार करना है, और लास्ट में आपको पोज देना है। एक बार और आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपको गाने के साथ ये डांस देखना है तो उसका वीडियो ऑलरेडी हमारी चैनल पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पे हमारी रूटीन फिनिश होती है। वी ऑल 3 ऑफ अस थैंक यू सो मच, आपने हमारा वीडियो देखा और आशा करते हैं आपको पसंद आएगा, आप इसे कुछ सीखेंगे। इसी तरह हमारे वीडियोस पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।